चलिए, सबसे पहले वेलकम टू ऑल ऑफ यू, सभी को हम स्वागत करते हैं। और ये सिस्टम जो है, इसमें सबसे पहले एक चीज को ध्यान देना होगा कि इस सिस्टम में जाने अनजाने जैसे भी अगर आ गए हैं तो उसमें सफल कैसे होना है। सफलता के लिए कुछ रास्ते बनाए गए हैं जो कि ऑलरेडी एक ही रास्ता है, और जिस रास्ते पर अगर कोई कहीं जाते हैं, अगर जंगल में भी जाते हैं, रास्ता ना हो तो लोग भटक सकता है, रेत में भी जाए तो रास्ता ना हो तो भटक सकता है, लेकिन बने हुए रास्ता अगर है तो उस पे चलना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। तो जिस समय ये बिजनेस शुरुआत हुआ था उस समय बहुत टफ था, लेकिन आज के डेट में अगर कोई डायमंड बनना चाहे तो डायमंड बनना बहुत आसान है, बस उस रास्ते पे चलना सीख ले, बात को मानना सीख ले। तो इस सिस्टम में सबसे पहले हम आगे बात करेंगे कि सबसे पहला जो आता है, क्योंकि ज्यादा समय है नहीं इसलिए मैं सॉफ्ट कोर बात करूंगा, क्योंकि सारा स्लाइड खत्म नहीं हो पाता है, पेशेंस की, धैर्य की। तो धैर्य सबसे पहले मैं कहता हूँ, दुनिया के हर एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो वहाँ पेशेंस की जरूरत पड़ता है। अगर मैं बात करूँ तो किसी टब में अगर पानी ही भरना हो, अगर नल को खोल दिया जाए तो क्या जब तक वो टब भरेगा नहीं तब तक पेशेंस हम रखते हैं या नहीं रखते हैं? बिल्कुल रखते हैं, है ना। अगर मान के चलिए किसी ट्रेन से हम सफर कर रहे हैं और यहाँ से हमें दिल्ली जाना है, अगर दिल्ली के तरफ रवाना होते हैं तो जब तक अगर दिल्ली नहीं आ जाए, क्या हम उतर के बीच बीच में, तो जितनी स्टॉप है वहां तो रुकेगी ही रुकेगी ट्रेन, तो क्या बार बार हम उतर करके और वहीं पर रुक जाए तो क्या हम दिल्ली जा पाएंगे? पेशेंस रखेंगे तभी, चाहे 24 घंटे में पहुंचे, 18 घंटे या 20 घंटे या 25 घंटे या 30 घंटे क्यों ना लग जाए, लेकिन जब तक पहुंचेगी नहीं दिल्ली तब तक बैठे रहेंगे या नहीं रहेंगे? यानी कि पेशेंस रखना बहुत ही जरूरी है। अगर पेशेंस नहीं रखते हैं तो फिर आप सिस्टम में, यहाँ तो क्या किसी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में आप सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोई बंदा अगर ग्रेजुएशन कर रहा और बहुत पढ़ने में तेज है तो क्या एक साल में ग्रेजुएशन हो सकती है क्या? उसके लिए 3 साल है तो 3 साल पेशेंस रखना होगा। उसी तरह से हमारे बिजनेस का एक टाइमिंग है और उस टाइम पीरियड तक आपको कुछ किसी भी तरह के मुसीबत हो, परेशानी हो, उस सारे को झेलते हुए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी आप इस सिस्टम में आप सफल हो पाओगे। नेक्स्ट, सबसे पहले हमें जानना होगा कि बिजनेस में कैसे करना है। उससे पहले आपको ये जानना होगा कि सिस्टम, इस बिजनेस को करना क्यों है, क्योंकि हर एक व्यक्ति किसी ना किसी क्षेत्र में कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, उसकी दाल रोटी हर एक चीज चल ही रही है, तो फिर ये भाई सेफ शॉप लेने की पंगा क्यों लिए, क्या जरूरत है? अगर एक काम से अगर आदमी की भरपाई हो रही है तो दूसरा काम करने की जरूरत क्यों है? उस रीजन को तलाशना होगा। रीजन को तलाश लिए तो आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। रीजन जैसे कि मान के चलिए हम बताना चाहेंगे कि जिस तरह से यहाँ आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, सारे लोगों को दिख रही होगी कि दुधारू गाय भैंस है जो दूध देती है हमेशा। इसी तरह इस पे एक कहानी के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, शायद आप लोगों को पता चल जाए आज क्यों क्लियर हो जाए, तो शायद आप इसमें आसानी से डायमंड बन सकते हैं। एक किसान था, उसके एक भैंस भी था, वहां पे बहुत पुराना घर था उसका। वहां एक दिन एक साधु और उसके चेले दोनों पहुंचे, बहुत प्यास लगी थी तो सोचा पानी पी लेते हैं, तो बहुत घना जंगल जैसा लग रहा था, उस बीच में एक छोटा सा घर दिखाई दिया टूटा फूटा। वहां पहुंचा, गेट खटखटाया, कोई है? कोई है तो निकल के आए किसान, बोले जी बोलिए। बोला कि पानी मिलेगा क्या? तो पानी, बोला बिल्कुल मिलेगा, पानी दिया, पानी प्यास बुझा लिया। और उस साधु ने पूछा उस किसान से कि ये जो है जमीन वगैरह जो इतना खाली पड़ा हुआ है, जमीन किसकी है? बोले ये जमीन तो मेरा है। तो बोला ये परती पड़ा हुआ है, बहुत अच्छा उपजाऊ जमीन है, इसको आप उगाते नहीं है, ऐसे ही छोड़ दिए हुए हैं, क्यों नहीं उगाते इस पे कुछ? तो बोले कि ऐसा है गुरुजी कि मेरे पास जो है एक भैंस है जो कि इतना दूध देता है, उसको मैं सेल कर लेता हूँ और उसके से जो दूध बच जाता है उससे अपना हम लोग खा पी लेते हैं, है ना, उसी से मेरा परिवार का भरण पोषण हो जाता है, तो इस खेत वेत को हमें काम करने की जरूरत नहीं पड़ता। तो रात में गुरु शिष्य को बोला कि ऐसा करते हैं ना, उस रात में वहीं पे रुका। तो गुरु ने शिष्य को बोला कि ऐसा करते हैं, इस भैंस को जो है ना खाई में गिरा करके मार देते हैं। तो शिष्य को बड़ा अचंभित लगा कि भाई गुरु इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं।
कि भाई इस भैंस को मार दे खाई में गिरा करके। तो ऐसे ही रात में फिर भी शिष्य तो कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकता है गुरु के सामने, तो चुपचाप मौन रख करके रहा और रात में बोला तो गुरु के आदेश को काटा नहीं, रात में जाकर के उस भैंस को गिरा करके चट्टान से मार दिया। लेकिन शिष्य के दिमाग में बहुत टेंशन था, वहां से गुरु बोले कि चलो हम लोग भाग चलते हैं, रात में ही दोनों भाग गए। तो शिष्य के दिमाग में खटकता था, दया आता था कि उसका परिवार अब तो बिखर जाएगा, अब वो क्या करेगा, अब तो बर्बाद हो जाएगा उसका सब बाल बच्चा, सब क्या करेगा नहीं करेगा, वो टेंशन में था। तो सोचा कि मेरे गुरु जी ऐसा काम करेंगे, मैंने कभी सोचा नहीं था, रात दिन सोचता रहा। तो सोचा कि जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊंगा ना, तो एक बार मिलने जरूर उससे जाऊंगा। जिस दिन वो शिष्य जो है कामयाब हो जाता है, उसके बाद उसके पास मदद करने के लिए वो किसान के पास पहुंचता है। जैसे ही पहुंचता है तो वहां देखता है पूरे जमीन पे बहुत बड़ा बड़ा जो है विशाल पेड़ सब है जो कि फलों से भरा हुआ है। देखा कि इतना पेड़ सब है फलों से भरा हुआ, लग रहा किसान जो है ना परेशान होकर जमीन बेच के भाग गया होगा, है ना। फिर आगे बढ़ा तो देखा बहुत सारा जो है गोदाम भरा हुआ था, ट्रक सब लगा हुआ था, वहां पे वो किसान नजर आया। तो उनको बोले कि आप मुझे पहचान रहे हैं? तो बोले कि बिल्कुल बिल्कुल पहचान रहा हूँ आपको, वो रात भूलने वाली रात थोड़ी ना है जिस रोज मेरा भैंस मर गया था और आप लोग भी बिना बताए हुए आप यहाँ से चले गए थे, तो वो दुखद समय है तो कोई भूल कैसे सकता है। तो बोला कि ये सब कैसे हुआ, कैसे आप जो है ये किसका है ये सब फलों की बगीचा? बोला मेरा ही है, आप इतना सारा ऐसे कैसे कर लिए? बोला कि जिस समय मेरे भैंस जो दूध देता था तो उस समय मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है। इससे शंभू कुमार जी अपना म्यूट बटन को जरा दबा ले आप, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता ही नहीं था। लेकिन जब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, जब भैंस मर गई कैसे न कैसे चट्टान से गिर करके मर गई, तो भाई कोई ऑप्शन ही नहीं था मेरे पास, तो क्या करता, जंगल से गया लकड़ी काटा और उसी को बेच बेच करके कुछ पैसा आया, उस पैसे से मैं कुछ पेड़ वगैरह भी लगाने लगा साइड से और उसी से मेरा फलों का बगीचा हो गया और वो फल जो है मार्केट में सेल करते करते आज जो है शहर का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया, ठीक है, जिसके कारण आज मैं इतना अमीर हो पाया, मुझे लगता नहीं था पहले से कि। तो बोले कि ये काम तो आप पहले भी कर सकते थे। तो बोला कि मैं पहले मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे अंदर इतनी शक्ति है क्षमता है, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। तो उसी तरह से आप भी सीख सकते हैं कि देखिए आपके जिंदगी में कोई दुधारू गाय तो नहीं है जो आपको यहाँ से डायमंड बनने से रोक रहा है, ठीक है। तो उस तरह से अगर कोई भी काम है, अगर उसी से आपका सारा चीज सारा सपने सारा ड्रीम पूरा हो सकता है तो फिर इस काम को नहीं करें। हाथ जोड़ करके विनती है कि शायद आप यहाँ पे फिर टाइम पास कर रहे हैं। अगर कोई ठोस कोई मजबूत आपका लक्ष्य है सपना है कोई बड़ा गोल है तो आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। ऐसा रीजन को आप तलाशिए, सबसे पहले आपके पास रीजन होनी चाहिए तभी आप यहाँ से डायमंड बन सकते हैं। नेक्स्ट, थ्री थिंग्स मेक यू सक्सेस। आप सफलता चाहते हैं तो इसमें तीन चीजों को आपको मानना पड़ेगा। सबसे पहले बिलीव, विश्वास। हर चीज में विश्वास की जरूरत होती है क्योंकि विश्वास नहीं होता तो सब कुछ खत्म हो गया रहता। बिलीव, हमें बिलीव किस किस चीज पे करनी चाहिए? विश्वास करना है खुद पर, क्योंकि आपके अंदर जो क्षमता है दूसरे को नहीं पता। अगर कोई दो मंजिल बिल्डिंग पर से किसी के अंदर उतनी हिम्मत होती है वो कहेगा मैं छलांग लगा दूंगा, एक में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होगा, वो डर के मारे कहेगा मैं नहीं कूद सकता, मैं तो देख करके ही मर जाऊंगा। तो यानी कि खुद पे विश्वास होगा कि मैं शायद डायमंड बन सकता हूँ, तभी आप डायमंड बन सकते हो। यानी कि खुद पे भरोसा करना, खुद पे विश्वास करना। बिलीव इन योर अपलाइन, अपने अपलाइन जिन्होंने आपके अपलाइन है जो भी है आपके ऊपर, सारे लोग अपलाइन होते हैं, उसमें से कोई भी जिनको मानते हैं आप, उस पर आंख बंद करके भरोसा करना होगा बिल्कुल ही। जब भरोसा करेंगे तभी वो आगे बढ़ाएंगे। बिलीव इन सिस्टम, हमारे जो सिस्टम है कंपनी है उस पर भरोसा करना होगा, क्योंकि वो कंपनी आज तक किसी का एक रुपया नहीं रखा, आज तक लोग इतने लोगों को सपना पूरा किया, उस तरह से महान सिस्टम को महान कंपनी को मैं कभी बुरा सोच ही नहीं सकता। यानी उस पर विश्वास करना सीखिए। नेवर क्विट द सिस्टम,
कभी जब तक आप इसमें डायमंड बनते नहीं है, कभी बीच में आपको क्विट नहीं करना है, छोड़ना नहीं है सिस्टम को। मैंने जिस तरह से ट्रेन के बारे में बताया था कि जब तक दिल्ली पहुंचे नहीं, हो सके 2-4 घंटा 10 घंटा लेट भी हो सकता है ट्रेन में, लेकिन क्या अगर बीच में हम उतर जाएंगे तो क्या पहुंच पाएंगे दिल्ली? तो उसी तरह से आप डायमंड के रास्ते पर जब चल चल पड़े हैं तो बीच में क्विट नहीं करना है। चाहे कहावत ये कि रेंग सको तो रेंगो, चल सको तो चलो और दौड़ सके तो दौड़ो, लेकिन क्विट नहीं करना है, ठीक है? तभी आप डायमंड बन पाओगे। ऑलवेज बी पॉजिटिव, हमेशा जब भी बात करे सकारात्मक बात करे, नकारात्मक नहीं, नेगेटिव बात नहीं करना है, हमेशा पॉजिटिव बात करे। क्योंकि पुराने बुजुर्गों ने भी कहा है कि शुभ शुभ बोले सही बोले। अगर जो बात आप बार बार बोलते हैं तो हमेशा वो बात आवाज ऊपर की तरफ जाती है और वो बात सत्य होने की चांसेस रहता है और वो सत्य हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव बोले। एक्साइटमेंट, सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए हमारे अंदर एक्साइटमेंट होनी चाहिए, क्योंकि बताया जाता है कि 90% हमारा ये बिजनेस एक्साइटमेंट से चलता है। 90% यानी कि इतना बड़ा जो सफलता हमें जिस चीज से मिल सके उस चीज को बरकरार रखनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल ही रखनी चाहिए, क्योंकि हमारा बिजनेस हमारे एक्साइटमेंट को देख करके ज्यादा स्पीड चलती है। एक्साइटमेंट कैसा होनी चाहिए, आप इस चित्र के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि ये व्यक्ति को पैर होने ना होने का गम नहीं है, लेकिन इस दौर में पास करने का चेहरे पे जरूर जो है ना रौनक दिख रही है। दिख रहा होगा सारे लोगों को, क्लियर दिख रहा ना सर? फोटो दिख रहा ना सर? हाथ जरा उठाएंगे अगर दिख रहा होगा तो, है ना? तो देखिए आप इसके चेहरे पर एक शिकन नहीं है कि पैर नहीं, दूसरा आदमी के पास पैर है मेरे पास पैर नहीं है, ऐसा एक भी शिकन नहीं है, टेंशन नहीं है इसके चेहरे पे। अगर है तो बताइए, क्योंकि इन्होंने जिस लक्ष्य पे निशाना लगाया है ना उस लक्ष्य पे ध्यान है, यानी कि अपने एक्साइटमेंट है इसके चेहरे पे। उसी तरह का जो कमियां हैं आपके अंदर उसको लेके रोना नहीं है, बल्कि आपको जिस चीज के बारे में आपने लक्ष्य बनाया है आगे पढ़ने की, उस चीज के बारे में सोच करके आपके अंदर वो एक्साइटमेंट होनी चाहिए, उत्साह होनी चाहिए आपके अंदर, उल्लास होनी चाहिए, ठीक है? तभी जा करके आप यहाँ से 90% जीत हासिल कर लेते हैं इस बिजनेस में। अगर सबसे पहले लोग सोचता है कि एक्साइटमेंट कैसे रखे, भैया घर में मातम हो, घर में अगर कोई कोई टेंशन हो तब कैसे खुशी रहेगा आदमी? यानी कि आपको अगर कोई आदमी नेगेटिव कर दे, नेगेटिव बात कर दे, अपना जो क्लोज हो वो भी गलत गलत बात बोल दे तो थोड़ा बुरा तो लगता है भाई, है ना? जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, हो सके घर में पत्नी ही कुछ उस तरह की बात बोल दे, है ना? तो यानी कि उस बात को बुरा लगने से, या कोई मम्मी बोल दे, पापा बोल दे, है ना, बहुत तरह के अपने आदमी ही बोल दे, तो आप कैसे रख पाएंगे एक्साइटमेंट? आपका तो एक्साइटमेंट धरा का धरा रह जाएगा, है ना, गिर सकता है। तो यानी कि उसके लिए एटीट्यूड को समझना होगा, एटीट्यूड, नजरिया, क्योंकि सबका नजरिया अलग अलग होता है, अलग अलग तरीके से हर चीज को देखता है, उसको समझना बहुत जरूरी है आपको। क्योंकि चार अंधे और हाथी का एक कहानी के माध्यम से एटीट्यूड के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। एक गांव था और वहाँ हाथी आया तो बहुत सारे लोग हाथी को नहीं भी देखा हुआ था बचपन में, हम लोग भी शायद हाथी ऊंट ये सब गांव में आता था तो हम लोग बड़े दौड़ करके देखने जाते थे कि भाई ऊंट आया, हाथी आया, है ना? इसी तरह से बहुत हल्ला हो गया कि भाई शोर मच गया कि हाथी आया, हाथी आया। तो उस गांव में चार अंधे थे तो अंधा भी बोला कि यार हाथी तो मुझे भी देखना है। तो अंधा है, वो हाथी को देखेगा कैसे? फिर भी वो बहुत जिद किया तो बोला चलो भाई दिखला दो इसको भी, नहीं तो ये चिल्लाता रह जाएगा। तो हाथी के करीब ले गया, एक हाथी जो है पैर पकड़ करके देखा, है ना, एक हाथी जो है सूंड पकड़ के देखा, एक अंधा कान पकड़ के देखा, एक अंधा पूंछ पकड़ के देखा। तो सभी अलग अलग चीजों को पकड़ा। तो बाद में जब अंधा से पूछा गया हाथी देख लिया? तो हाँ भाई देख लिया। कैसा है हाथी? तो जिन्होंने पैर पकड़ा था वो बोल रहा है कि हाथी खंबे जैसा होता है। दूसरा जो सूर पकड़ा था वो बोल रहा है हाथी रबर के पाइप जैसा होता है। एक तीसरा जो कान पकड़ा था वो कह रहा है कि हाथी जो है सूप जैसा होता है। और जब चौथे जो है पूछ पकड़ा था वो कह रहा है पागल है, हाथी तो सांप जैसा होता है, तू सब गलत है, हाथी सांप जैसा होता है। तो बोला क्या आप लोग इस बात को गौर कर सकते हैं, क्या चारों लोग गलत थे? नहीं, चारों अपनी जगह सही थे, लेकिन चारों का जिन्होंने जैसा महसूस किया वैसा बताया।
इसी तरह से हमारे सिस्टम में भी बहुत सारे लोग हैं, सबका नजरिया अलग अलग है, मार्केट में अलग अलग नजरों से देखते हैं। तो कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा टोपी पहनाने वाला बिजनेस है, कोई कहेगा कि अरे ठगने ठगाने वाला बिजनेस है, कोई कहेगा कि अरे फंसने फंसाने वाला बिजनेस है, कुछ भी बोल सकता है ना। तो यानी कि मुंह तो किसी का नहीं रोक सकते हम, अपने अंदर बस उस चीज को समझना होगा कि उसके अंदर ये नॉलेज नहीं है, जिसके कारण वो नहीं समझ पा रहा है ना। तो एटीट्यूड को समझना बहुत जरूरी है, यानी कि नजरिया किस नजर से देख रहे हैं। आपके अंदर जो नजरिया है वो पॉजिटिव होनी चाहिए हमेशा, कि मैं जिस बिजनेस को कर रहा हूँ उसमें लोगों की जिंदगियां बदलती है, जिससे लाखों लोगों की जिंदगियां बदल गई है तो हमारा भी बदलेगा, मैं जिस व्यक्ति को लाने जा रहा हूँ उसका भी जिंदगी बदलने जा रहा हूँ। क्या आप लोग किसी के घर पे जाते हैं तो आप गौर कर सकते हैं कि आपको लग रहा होगा कि सर इस तरह की बात कर रहे हैं तो मैंने इस चीज को महसूस किया है। क्या किसी के घर पे जाते हैं तो ऐसा सोच के जाते हैं कि उसको जा रहे हैं ना फंसा देंगे, उसका लूट लेंगे, उसका घर परिवार बर्बाद कर देंगे, 10 लाख 20 लाख का चूना लगा देंगे, ऐसा सोच के जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं। ये सोच के जाते हैं कि वो अगर समझ गया ना, वो बन गया ना, तो मैं भी बन जाऊंगा, ऐसा शायद सोच सकते हैं, उसको बनाने के लिए सोच सकते हैं, कभी उसको बर्बाद करने का दिमाग में दूर दूर तक बात आ नहीं सकता है। तो यानी कि आप कहाँ से गलत काम कर रहे हैं, आप सही काम कर रहे हैं, भले सामने वाले को सही समझ में देर से आए, किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को देर से आता है। चलिए नेक्स्ट, अगले पड़ाव पे बढ़ते हैं हम। कि देखिए सबसे पहले सिस्टम में एक चीज बताना चाहेंगे कि गुरु का बहुत महत्व होता है इस सिस्टम में, क्योंकि हर एक चीज में एक नए आदमी और एक एक्सपीरियंसेड आदमी, दोनों में डिफरेंट होता है, फर्क होता है, दोनों काम करने का तरीका अलग अलग होता है। तो सबसे पहले इस काम को भी, हर एक काम को करने के लिए उसमें गुरु की जरूरत होती है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर बनने के लिए बुक बहुत सारा है मार्केट में, तो लोग सारा बुक को खरीद के ले आता, घर पे पढ़ लेता, वो डॉक्टर बन जाता, ऐसा होता है क्या? नहीं, हर एक चीज बनने के लिए गुरु की जरूरत होती है। तो इस सिस्टम में भी गुरु की जरूरत होती है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ये बहुत कबीरदास की जो है लिखी हुई वाणी है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर बाहे चोट। गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़ा है, गुरु भीतर से हाथ का सहारा देकर और बाहर से चोट मार कर तथा गढ़ गढ़ कर शिष्य की बुराइयों को निकालते हैं। यानी कि गुरु अगर कभी जोर से भी बोल दे, डांट के भी बोल दे, तो थोड़ा सहन करना है, क्योंकि जहां मिठास होती है वहां थोड़ा सा करवाहट भी होती है, दोनों चीज को सहन करना होगा, तभी जाकर के आप उनसे ज्ञान ले सकते हैं, क्योंकि वो हमेशा आपके बारे में बुरा नहीं बल्कि अच्छाई सोचता है, तभी जाकर के आपको बनाएंगे। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, और दूसरा कर्ण जो हार मानने हो, हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। इससे आपको सीख लेनी चाहिए कि जिस तरह से आपको गुरु ऐसा होनी चाहिए जो कि आपको उस तरह से उस लाइक बनाए, जो कि यहाँ रणभूमि नहीं है कि युद्ध करना है, बस उससे सीख लेना है कि बिना लड़े हुए भी जीत पक्की की जा सकती है। यहाँ हमारे सिस्टम में भी ऐसे ही है, डायमंड तो बना देता है लेकिन युद्ध करना पड़ता है क्या? नहीं करना पड़ता है। लेकिन ऐसा दोस्त भी होनी चाहिए, जिस तरह के लोग अपने टीम बनाते हैं उससे इतना प्रेम होनी चाहिए, स्नेह होनी चाहिए कि कभी कितने भी बुरा स्थिति क्यों ना हो वो साथ छोड़ करके ना जाए, है ना, ऐसा बनाना चाहिए। आप जिन अगर अभी तक किसी ने गुरु बना लिया है किसी को तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर नहीं बनाया, सोच रहे होंगे कि मुहूर्त देख रहे होंगे कि किस मुहूर्त में बनाएंगे, तो बहुत देर होगी, जितना देर करेंगे उतने ही देर होंगे आप सिस्टम में। सबसे पहले आप अगर किसी को गुरु नहीं बनाए हैं तो बिल्कुल ही किसी न किसी शख्स को आप मान ले। अपलाइन बहुत सारे होंगे, बहुत सारे अपलाइन होंगे, जिस तरह से आप कोई शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं 10 20 50 लड़की भी देखते हैं, लेकिन क्या सारे से शादी थोड़ी ना कर लेते हैं, है ना, एक ही से ना करते हैं, उसके अंदर गुण भी देखते हैं, ज्ञान भी देखते हैं, सारा चीज देखते हैं, है ना, व्यवहार भी देखते हैं, हर चीज। उसी तरह से आप अपने ऊपर अपलाइन कोई भी सिस्टम में लाया है उससे मतलब नहीं होता है, आपको जो भी अच्छा लगे, जो जिसकी बात आपको लगता हो
कि ये सफल हैं और बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत अच्छे ये हमारे गुरु के लाइक हैं, आपकी उनके बात में हर एक बात अच्छी लगती हो, तो एक बार चुने, बार बार बदलने की चीज नहीं है। जिस तरह से माँ बाप चेंज नहीं होता, इस तरह से सिस्टम में भी अपलाइन चेंज नहीं होता। अगर चेंज करते हैं तो फिर आपकी गलती है, आप सफलता से बाहर हो सकते हैं, ठीक है। इसलिए चुने, और एक बार जब कमिटमेंट कर दिए, चुन लिए, तो वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। और आप उसमें से देखिए कि कौन से अपलाइन आपके लिए सफिशियंट है, आप उसको चुनिए और उस दिन उनको बोल दीजिए कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु। ये जो है ना श्लोक पढ़ करके जिस तरह से लोग धन्य होते हैं, उसी तरह से उनको बता दीजिए कि आज से आप ही गुरु रहे हैं इस सिस्टम में और मैं आपका शिष्य हूँ, आप जैसे बोलेंगे वैसे ही मैं चलूंगा, बस आप मेरा हाथ थाम लीजिए। क्या अंधा व्यक्ति किसी को अपना हाथ थामने के लिए दे दे, एक अनजान व्यक्ति भी क्या उसको गड्ढा में गिरा सकता है? नहीं गिरा सकता। उसी तरह से यहाँ सिस्टम इतना प्यारा बनाया हुआ है कि आप जिस भी गुरु को अपना हाथ देते हैं वो कभी खुद गिर जा सकता है, लेकिन आपको गिरने नहीं देगा, ठीक है। आपको खुद आगे बढ़ाने के लिए वो तत्पर रहेंगे, ठीक है। तो समर्पित अपने आप को बिल्कुल ही समर्पित कर दे और तब जा करके आप यहाँ से आसानी से सफलता को प्राप्त कर सकते। अजीत सर, सर बोरा रिकनेक्टिंग कर लीजिए सर, टाइम आउट हो गया। टाइम आउट हो गया, रिकनेक्टिंग कर गए। कितना समय है? बस एक मिनट बाकी है, खत्म हो जाएगा। सारे लोग फिर से कनेक्ट कर ले इसी लिंक पर। सारे लोग फिर से कनेक्ट कर ले। सारे लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिए। कर लीजिए सब फिर से कनेक्ट। सारे लोग फिर से कनेक्ट कर लीजिए सर। राहुल सर सभी लोगों का म्यूट कर दीजिए, कुछ लोगों का अभी नहीं हुआ है। स्क्रीन दिख रही है सर? स्क्रीन शो हो रही है ना? हेलो जी सर, हो रहा है। हाँ स्क्रीन शो हो रहा है। तो इसी तरह से मैंने बताया कि एक गुरु के होना बहुत ही आवश्यक है। तो अभी तक आपने चुने हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं चुने हैं तो कृपया देर ना करें, क्योंकि आप तभी सफल हो सकते हैं जब आपके कोई गुरु होंगे। तो सोचना नहीं है कि कल करेंगे परसों करेंगे, जितना लेट करेंगे उतनी ही देर होगा। आप उसमें से देखिए, सोचिए समझिए, हाँ जल्दीबाजी भी नहीं करना है, सोच समझ के आपको करना है। क्योंकि देखिए गुरु भी, गुरु का बहुत होना बहुत ही मायने है, क्योंकि सही सलाहकार का होना बहुत ही जरूरी होता है। क्योंकि देखिए अर्जुन के गुरु श्री कृष्ण थे, जिस तरह से महाभारत अभी देख रहे हैं सारे लोग समझ रहे होंगे, और दुर्योधन के गुरु जो है वो है शकुनी, मामा शकुनी, यानी कि दोनों है, लेकिन दोनों गुरु चुने हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण को चुनने के वजह से आज अर्जुन धर्म युद्ध जीत पाया, सही मार्ग पे, सही दिशा पे चल पाया। लेकिन दुर्योधन ने चुना शकुनी को तो वो गलत रास्ते पे चल पड़ा, क्योंकि बुद्धिमान तो दोनों ही थे, कृष्ण भी और वो भी, लेकिन दोनों ही थे बुद्धिमान, लेकिन दोनों क्या थे, एक जो है कपटी थे और एक धर्म के रास्ते पे चलने वाले। बार बार कॉल कर रही है, उनको बताइए ना। तो दोनों ही बुद्धिमान थे, लेकिन दोनों अलग अलग रास्ते पे चलने वाले थे। तो जिस तरह से देखिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग आपको इस सिस्टम में, ऐसा नहीं है कि ट्रेन चलती है तो सही लोग चढ़ते हैं तो गलत लोग भी चढ़ते हैं, है ना। अगर एक साधु बैठता है तो चोर भी चढ़ता है, ज्यादा दूर तक चोर नहीं चल पाता।
तो गलत लोग भी आ सकता है, उससे सिस्टम को बदनाम ना करें, वो व्यक्तिगत प्रॉब्लम होता है, इसलिए सोच समझ करके देखे समझे परखे और उनके माध्यम से आप जान ले कि भाई यही मेरे आप ही का जो है, आप आज से मेरे गुरु हैं और आप जैसे कहेंगे वैसा मुझे करना है, और उनपे निष्ठा भाव रख करके आप सफलता हासिल कर सकते हैं। देखिए गुरु के साथ साथ एक बात और मैं बताऊंगा कि शिष्य को भी अच्छा होनी चाहिए, ठीक है। शिष्य ऐसा नहीं गुरु की बातों को, गुरु अगर अच्छा है फिर भी अगर शिष्य में भी तो अच्छाई होनी चाहिए ना, क्योंकि शिष्य अगर अच्छा नहीं होंगे तो भी उसको सफलता प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसे भी अच्छा बनना होगा। जिस तरह से गुरु द्रोणाचार्य से छुप छुप करके एकलव्य ने सीखा था, दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर आज एकलव्य होते, लेकिन क्योंकि द्रोणाचार्य का कहना था कि आज तक पृथ्वी में सबसे बड़ा अगर धनुर्धर कोई होगा तो अर्जुन होगा, और अपनी वाणी को सत्य करने के लिए उन्होंने जब पता चला कि एकलव्य ने हमसे चोरी कर करके मेरा गुण सीख करके गुरु मना करके आज दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन गया है, तो उन्हें सोचा कि मेरा वाणी तो ये झूठ हो जाएगा, इसके कारण उनसे अंगूठा मांग लेता है ना, उसे गुरु दक्षिणा में अंगूठा मांग लेता है, और वो एकदम निस्वार्थ होकर के वो अपनी जो है ना अंगूठा काट करके वो गुरु के चरण में रख देता है कि ये लीजिए गुरुदेव। यानी कि इतना निष्ठा है गुरु पे, इतना विश्वास है कि वो अंगूठा तो क्या, गला भी मांगता तो अपनी गला को कत्ल करके उनके चरणों में डाल देता। यानी कि ऐसा शिष्य का भावना था, ऐसा होनी चाहिए, गुरु के प्रति समर्पित होनी चाहिए निष्ठा भाव, उसपे कभी संदेह नहीं करनी चाहिए। तो आज क्या उस जगह तो खैर उन्होंने अपनी बात को सत्य करने के लिए उनसे अंगूठा मांग दिया कि ताकि ये विशिष्ट बड़े धनुर्धर नहीं लाए अपनी बात को बड़ा करने के लिए, तो वहां पे क्या गुरु को ही गलत बोला गया ना कि शिष्य को नहीं, इसलिए अपने तरफ से भी गलती नहीं होनी चाहिए, एक शिष्य को भी अच्छा होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सीखने पर कम ध्यान देता है, क्योंकि हमारे सिस्टम में क्या होता है या दुनिया के किसी भी क्षेत्र में, कोई टीचर जब तक खुद अगर पढ़ता नहीं है तो वो क्या पढ़ा देगा किसी को, नहीं पढ़ा सकता, और जिस समय खुद पढ़ता है उस समय दूसरे को पढ़ा सकता क्या, नहीं पढ़ा सकता, पढ़ा सकता लेकिन उतनी जो है ना बात समझा नहीं सकता। यानी कि पहले सीखना है, सीखने के बाद खुद उस काम को करना है, तब जा करके करने के बाद सिखाना है। लोग क्या करते हैं, जैसे ही ऊपर से कुछ सिखा दिए तो तुरंत चाहेंगे कि नीचे मैं भी जो है ना जल्दी जल्दी चेला ढूंढ लूं, और अपना काम जो है ना करना नहीं है, छोड़ देना है, बस पास कर देना है ना, अपना भार को जल्दी जल्दी खत्म करना चाहता है लोग, है ना, कि मेरा भार है, इस तरह से नहीं करना है, क्योंकि पहले सीखना है। देखिए सबसे पहले सीखने के क्रम में क्या होता है, सीखने के बाद लोग अगर खुद काम करते हैं तो उसमें कुछ गलतियां भी होगी, ऐसा नहीं है, क्योंकि थ्योरी पढ़ने के बाद अगर प्रैक्टिकल कोई चीज करते हैं दोनों में बहुत अंतर होता है, दोनों में अंतर होता है। ये देखिए गलती उसी से होती है जो होता है, निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है, इसलिए जो काम तो हो सके उससे गलती भी होगी, गलती उसी से होता है, उसको सुधारेगा, जिससे गलती नहीं होगी तो फिर सुधारेंगे कैसे, है ना, इसलिए गलती उसी से होती है जो काम करते हैं। ये बिल्कुल ही हमारा बिजनेस जो है डुप्लीकेशन का है, डुप्लीकेशन करने का, किसी चीज को कॉपी करने का, नकल करने का, यानी कि बाहर के दुनिया में बोलते हैं नकल करोगे पकड़े जाओगे, है ना, दंड होगा, लेकिन यहाँ कहते हैं नकल करोगे जल्दी सफल हो जाओगे, तो यहाँ डुप्लीकेशन का बिजनेस है। यहाँ देखिए ऐसा कभी ना करें, जो डुप्लीकेशन करना है कौन कौन सी बात डुप्लीकेट करना है इसमें सारी चीजों को बताया गया है, आप बारीकी से जल्दीबाजी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम जल्दी जल्दी मैं बोलूंगा एक एक बात पे तो देर हो सकती है, आप पढ़ के भी समझ सकते हैं आप लोग। देखिए ऐसा कभी ना करें, है ना, हर बार नई बातें, हर बार नई स्लाइड, हर बार नई कहानी, हर बार नया प्लान, हर बार नया तरीका, है ना, हर बार नई कार्य प्रणाली, है ना, आपके ग्रुप के को जो है ना कंफ्यूज करने के लिए काफी है, इसे डुप्लीकेशन करना संभव असंभव है।
और ऐसा हर बार करें, हर बार वही बातें, है ना, हर बार वही स्लाइड। देखिए हम लोग भी जो बातें करते हैं, बहुत सारे लोग जो सुनते होंगे, सुने होंगे तो बोलते होंगे सर हर एक ट्रेनिंग में इसी तरह की बातें करते हैं, तो यहाँ अलग की बातें करना ही नहीं है, वही बात करना है। क्योंकि जिस तरह से घर में अगर सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है तो बार बार जब पूजा होता है तो अलग अलग कथा थोड़ी ना होती है, सेम कथा होता है। यानी कि सेम कथा करने से दुख दूर, कष्ट दूर हो सकता है, तो अलग अलग कथा करने की क्या आवश्यकता है ना। अगर रोज कोई किसान अगर खेत में जाता है तो अलग अलग तरीके से हल थोड़ी ना चलाता है ना, कभी उल्टा हल चलाता है क्या, कुदाल कभी उल्टा चलाता है क्या। यानी कि काम सेम करना पड़ता है दुनिया में, जिस भी काम को करते हैं तो बार बार उसी चीज को हमें करना होगा, तभी हम डायमंड बन सकते हैं। क्योंकि देखिए इस तरह की जो चीज है कि ऐसा कभी ना करें, ऐसा करने से आप खुद को बड़ा बना सकते हैं खुद कुछ देर के लिए, लेकिन अगर इस साइड जो देख रहे हैं ऐसा हर बार करें, वैसा ऐसा करने करके आप सिस्टम को बड़ा बना सकते हैं हमेशा के लिए। अगर आप सिस्टम को राजा बनाएंगे तो सिस्टम आपको महाराजा बना देगी। सबसे पहले सिस्टम में बहुत कुछ लोग सिखाते हैं, अलग अलग चीज बताते हैं सभी लीडर अलग अलग बातों को, लेकिन मैं बोलता हूं कि इस चक्र है, इस चक्र को अगर आप समझ ले तो डुप्लीकेट जो है ना, इस साइकिल को सारा पूरे सिस्टम में इसी चीज को करना है। सबसे पहले FIM करना जरूर जाननी चाहिए हर एक व्यक्ति को, फर्स्ट इंफॉर्मेशन मीटिंग बोलते हैं इसको, जो कि पहली बार अगर आदमी ज्वाइन करता है उसके ठीक 24 घंटा के अंदर या 48 घंटा के अंदर अगर उनसे मिलते हैं तो पहली बार मिलने के बाद उसको फर्स्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में कुछ जानकारियां दे पाते हैं। उसके बाद उससे लिस्ट बनवाते हैं, लिस्ट बनवाते हैं लोगों का, इसके बाद प्लान दिखाना उनको सिखाते हैं, उनके साथ चल करके प्लान देते हैं कुछ लोगों का, फिर फॉलोअप करके उनको सिखाते हैं फॉलोअप कैसे करना है, फिर DD कैसे निकालना है, DD निकालने के बाद लगाना है कैसे, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ना, कैसे भेजना है। इसके बाद ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो है हमेशा ट्रेनिंग के लिए उसको प्रमोशन करें कि ट्रेनिंग ट्रेनिंग करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ट्रेनिंग अगर नहीं करते हैं तो आप इस सिस्टम में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ट्रेनिंग बहुत ही अति आवश्यक है, विदाउट ट्रेनिंग कुछ नहीं होता है ना। तो बाहर की दुनिया में आप क्या है नहीं है उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे अगर आते हैं तो आप इस सिस्टम के लिए, क्योंकि कोई एक दिन अगर हुआ है तो एक दिन का बच्चा है, अगर कोई एक महीना हुआ है तो एक महीना का बच्चा है, कोई अगर 6 महीना हुआ है तो 6 महीने का बच्चा है। क्योंकि जो जितना दिन हुआ है बाहर की दुनिया में आप कितने भूले तो आप उस सेक्टर में नॉलेज भूले, क्योंकि ये सेक्टर जो है बहुत अलग है, बहुत उससे विपरीत चलता है ना। तो कुछ चीजों को आपको यहाँ पे जब तक सीखेंगे नहीं तब तक जानेंगे नहीं, तब तक आपको इस सिस्टम में आपको सफल होने में बहुत सारी रुकावट आ सकती है। तो इस साइकिल को समझे, इसको सीखे। सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे सिस्टम में, जिन्होंने भी आज तक कोर ट्रेनिंग नहीं की है तो कृपया करके जब भी उनको पता चले कि कोर ट्रेनिंग होने वाली है तो उन्हें गलती से भी उस सिस्टम कोर ट्रेनिंग को सेशन को नहीं छोड़े। 3 से 4 रोज 5 रोज का कोर ट्रेनिंग होता है। आज अगर कोर ट्रेनिंग नहीं लिए रहते तो आज अजीत आपके सामने बोलता हुआ दिखाई नहीं देता, क्योंकि सिस्टम से कब के हट गए। उस कोर ट्रेनिंग का ही देन है कि जो से बहुत ही खुशकिस्मत थे कि सर ने बताया कि कोर ट्रेनिंग हो रहा है, सर आप इस कोर ट्रेनिंग को बिल्कुल ही नहीं छोड़ना है, बिल्कुल ही करना है। सुबह शाम दोनों टाइम रहता था, जिस रोज सुबह में छूट जाता था शाम को मैं लेता ही लेता था, है ना। 5 दिन का कोर ट्रेनिंग मैंने लिया था और जिसके कारण आज सिस्टम में बना हुआ है ना, और इस अचीवमेंट को ले पाया। देखिए कोर ट्रेनिंग जो होता है, कोर हमारे सिस्टम में कोर बनना बहुत जरूरी होता है। कोर का मतलब होता है मुखिया, हर एक चीज में लीडर जो होता है, लीडर वो मुखिया होता है। जैसे कि गांव का मुखिया होता है ना, राज्य का मुखिया होता है चीफ मिनिस्टर, है ना, मुख्यमंत्री। इसका कंट्री का होता है, देश का होता है प्रधानमंत्री, दुनिया में सूरज कोर है। अगर एक घर की ही बात करें, अगर हम घर में जो है गार्जियन जो होते हैं वो मुखिया होता है, घर का मुखिया होता है ना पिताजी। अगर घर की बात करें, जो बिल्डिंग होती है उसमें 4 पिलर होते हैं, 10 पिलर होते हैं, यानी कि पिलर जो होता है ना वो कोर होता है। यानी कि दीवाल टूट भी जाए तो घर पूरा नहीं टूट सकता, क्योंकि पिलर है, पिलर पे मजबूती है ना। अगर पिलर ही टूट जाए तो मजाल है कि उस घर को रोक ले, नहीं रोक सकता। यानी कि आपको पिलर बन के रहना पड़ेगा। अगर सारा टीम बैठ जाए काम नहीं करे उससे मतलब नहीं है,
लेकिन मैं जब तक डायमंड नहीं बनूंगा तब तक इस काम को छोड़ूंगा नहीं। उसी तरह से उसको कोर बोलते हैं, कोर यानी कि सारे जिम्मेवारी को लेकर के चलने वाला को कोर बोलते हैं, है ना। तो वैसा कोर बनना होगा। तो कोर बनने के लिए देखिए, कोर का 5 दिन का ट्रेनिंग है, उसको तो मैं 5 मिनट में नहीं बता सकता, लेकिन शॉर्टकट में कुछ स्टेप में बता सकता हूँ। कोर बनने के लिए कोर का गुण होता है, उसके अंदर कुछ गुण होती है। कोर का गुण होता है कि ड्रीम लिस्ट इन्विटेशन सो द प्लान फॉलो अप 100% यूजर बी ए टीम प्लेयर और बुक्स फंक्शन। एट स्टेप है, वो फ्राइडे का है। फ्राइडे के ट्रेनिंग में सारे चीज अलग अलग करके बताया जाता है, जो कि 2 घंटे ट्रेनिंग होता है, 2 घंटे में। तो उतने घंटे का तो मैं 2 मिनट में नहीं बता सकता। तो इसको आप फ्राइडे के ट्रेनिंग अवश्य ले। जो लोग नहीं लिए हैं वो कृपया करके हमेशा कभी भी उस छोड़े नहीं, फ्राइडे का ट्रेनिंग जरूर करें। उसमें इस सारे चीज सीखने को उनको मिल जाएगा, है ना। सबसे पहले कोर बनने का मतलब होता है कोर। देखिए, इफ यू वांट मोर देन गेट रेडी टू बिकम कोर, यानी कि अगर चाहिए मोर तो बनना पड़ेगा कोर। तो कोर बनने के लिए अगर रेडी है तो देखिए, सबसे पहले कोर को करना क्या पड़ता है, वी केयर ऑफ आवर एसोसिएट। कोई भी अगर नया न्यू एसोसिएट अगर ज्वाइन करता है तो इस पौधे के समान होता है। एक पौधा को देख रहे हैं, हाथ पे रखे हुए हैं, किस तरह से वो पौधा के समान होता है। देखिए, पौधा जब छोटा होता है तो जिस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसके सुरक्षा के लिए एक कवच बना देते हैं, है ना, ताकि उसको कोई गाय भैंस खा नहीं पाए, है ना, कोई गाड़ी जो है उसको कुचल नहीं सके, है ना। इस तरह की हम प्रोटेक्शन देते हैं, उसमें खाद देते हैं, पानी देते हैं कि सूखे नहीं, यानी कि बहुत केयर करते हैं। उसी तरह से कोई आदमी नया जब ज्वाइन करता है ना, तो उसका मरने का चांसेस बहुत ज्यादा रहता है, इसीलिए उसको केयर करना पड़ता है, उसको हर तरफ से केयर करना होता है। क्योंकि लोग सोचते हैं कि वो बात ही नहीं मान रहा, ये नहीं कर रहा, नहीं, उसको केयर आपको करना है, क्योंकि वो बिल्कुल ही बच्चा के समान है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि 1 रोज अगर हुआ तो 1 दिन का बच्चा है वो, उनको इस बिजनेस में नॉलेज नहीं है, चाहे 50 साल उम्र क्यों नहीं, इस सिस्टम का नॉलेज नहीं है। अगर होता तो आपसे पहले बेहतर तरीके से इस काम को करते हुए होते, ठीक है। इसलिए उसका केयर करना आपका काम है, ठीक है। एक कोर का काम है, कोर का जिम्मेवारी है कि उसको केयर करके अच्छा से इस सिस्टम में अटैच करे, हर ट्रेनिंग में, सेमिनार में, फंक्शन में, जहां भी हो, दिशा वर्कशॉप या डायमंड शिप, हर जगह आपको उसको ले जाना होगा, समझा बुझा कर ले जाना होगा, तभी जा करके आप उनको अपने बराबर में अपने तरह बना पाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हमारे सिस्टम में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में टीम वर्क में पावर होता है। कोई भी बड़ा सपना, कुछ भी बनाना अगर चाहते हैं तो टीम वर्क में अगर काम करते हैं तो काम आसान हो जाता है। यहाँ देखिए, चींटियां किस तरह से एक पौधा से दूसरे पौधा पे किस तरह से चल रही है, और किस तरह से उन्होंने जाल बुंद दिया और आसानी से वो सारे चींटी चढ़ सकता है, यानी कि टीम वर्क में पावर होता है। जिस तरह से एक पहले बहुत सारे लोग कहानी सुनाया करते थे बचपन में, हम लोग भी सुने हुए हैं कि 4 बेटों वाली कहानी, कि चारों बेटों को बोला कि लकड़ी ला करके बेटा लाओ एक एक लकड़ी, है ना, सारे को बोला कि तुम तोड़ दो तो सारे लोग तोड़ दिया, फिर बोला कि तुम सारे लोग लकड़ी लाओ और सारे को गांठ बनाओ और तोड़ के दिखाओ, नहीं टूटा। यानी कि हमारा जो है ना, एकता में बल होता है, ठीक है, एकता में बल होता है। जिस तरह से बसलते, देखिए टीम में सारे तरह हर एक अलग अलग तरीके के लोग आएंगे, अलग अलग गुण होगा सब में, एक बराबर नहीं होगा। जिस तरह से मेरे 5 उंगली है और 5ों उंगली एक बराबर नहीं है, अगर एक बराबर होता तो मुट्ठी नहीं बनता, और मुट्ठी नहीं बनता तो मजबूती, मुट्ठी में ताकत होती है। तो उसी तरह से हर एक तरह के लोग होंगे, बस उसमें टीम वर्क बना करके टीम के साथ काम करना होगा आपको, ठीक है। ज्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते, बल्कि इसलिए हार जाते हैं क्योंकि वे जीत से पहले ही मैदान छोड़ देते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि नेवर क्विट, पहले आपको इस सिस्टम को कभी छोड़ना नहीं है जब तक आप जीत नहीं जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले लोग कैसे छोड़ते हैं इस सिस्टम से, बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग इस जगह सब पे भी अपने अपलाइन की बातों को भी नहीं ध्यान देता है और वो सिस्टम की छोड़ने की बात कर देता है। जैसे कि अगर क्रॉस लाइन बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो पुराने होंगे, जो नए होंगे वो नहीं जानते होंगे। क्रॉस लाइन के बारे में मैं बताना चाहूंगा शॉर्टकट। क्रॉस लाइन वो होता है कि जैसे अगर पहले से वो प्लान दिखाया हो और वो फॉलोअप करता हो, उस बीच में कोई उसके करीबी जानने वाले आ गए हो,
और वो क्या किया हो, वो भी बेवकूफ उनको ज्वाइन करवा लिया हो, है ना। तो लोग सोचता है क्या मेरा फॉलोअप हो रहा था, मैं प्लान दिखा रहा था, मेरा वो ब्रदर लाइन वाले ज्वाइन करवा दिया, तो वो ज्वाइन करवा लिया, तो यानी कि वो क्रॉस हो गया, उसको क्रॉस लाइन बोलते हैं। कभी करनी भी नहीं चाहिए क्रॉस लाइन, क्योंकि देखिए मिला करके काम अगर करते हैं तो आप जल्दी इसमें सफल हो जाते हैं और प्रेम भाव बना रहेगा, क्योंकि अकेला कोई इस काम को नहीं कर सकता, इसको टीम वर्क बना करके और अपने चाहे अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, ग्रो लाइन हो या ब्रदर लाइन हो, सभी से प्रेम भाव बना करके ही आप इस बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो क्रॉस लाइन से बचने की कोशिश करें, नहीं करें और नहीं करने दे। जैसे कि अगर आपके कोई चाचा है, आप उसको प्लान नहीं दिखा रहे हैं, और कोई दूसरा आदमी है जो आपके कोई फ्रेंड है या ब्रदर लाइन वाले हैं, उनके जानने वाले आपके चाचा जी, और उनको प्लान दिखाने के लिए ले आए सेमिनार में, आप जैसे ही देखे कि मेरे चाचा जी हैं, तो सोचा कि मेरे चाचा जी को ले आए हैं, तो उसके कान में जाकर के बोल दिए कि ऐसा है ना, आप देख लीजिए प्लान, लेकिन फॉर्म नहीं भरिएगा। तो ये क्रॉस लाइन होता है। अगर आज आप उनके साथ ऐसा कर रहे हैं तो कल के डेट में हो सके आप उनके चाचा को लेकर के आ जाए और आपके साथ वो करेंगे, तो यानी कि दोनों में क्या हुआ, आपसी तालमेल खराब हो गया। अगर आप उसी में आपको बोलना था कि चाचा जी हाँ कौन इनके साथ आए, अरे बहुत दमदार लीडर हैं, आप इनके साथ काम कीजिए, बहुत ही जल्दी आप आगे बढ़ जाएंगे, तो कल के डेट में आप भी उनके चाचा को अगर ले आते हैं तो मना करेंगे क्या? अगर उनके अंदर कपट भी होगा तो शर्म के मारे नहीं बोलेगा, वो सुधर जाएगा, है ना। उसी तरह से क्रॉस लाइन नहीं करना है। अगर हो भी जाए तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अपलाइन अब फोन कर रहा तो अपलाइन का फोन ही नहीं उठा रहा, कहेगा कि अपलाइन मेरे बारे में कुछ बोला ही नहीं, वहां लड़नी चाहिए था, कुश्ती करनी चाहिए था। तो अपलाइन क्या करेंगे, अपलाइन अगर लड़ने जाए, उनको तो ज्ञान है इसलिए वो लड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो जान रहा है कि क्रॉस लाइन एक अगर हो गया तो दुनिया में एक ही आदमी थोड़ी ना है। देखिए और बहुत सारे लोग क्या करेंगे, अपलाइन का फोन ही उठाना बंद कर देगा, तो फोन करेगा तो फोन नहीं उठाएगा। अगर मैं बार बार मेरे अपलाइन अगर हमें फोन करते हैं, अगर मैं नहीं उठाऊ तो क्या हर एक चीज की जानकारी मुझे मिल पाएगा? बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बुरा वक्त हो या अच्छा वक्त, फोन हमेशा उठाए, कभी अपने अपलाइन के फोन को छोड़े नहीं, जब करे उठाए, ठीक है। देखिए एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद तैयार करती हो और लोग चोरी करके ले जाते हैं, तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी मुस्कुरा कर बोली कि नहीं, वो मेरी शहद बनाने की कला को कभी नहीं चोरी कर सकता, क्योंकि वो सिर्फ शहद चुरा सकता है। उसी तरह से एक अगर कोई क्रॉस लाइन हो जाए तो उसके वजह से सिस्टम छोड़ने की बात नहीं करनी चाहिए, गुस्सा में नहीं आनी चाहिए कि अब नहीं करेंगे, काम ही नहीं करेंगे, अरे एक चला गया क्या हो गया, वैसा वैसा महान योद्धा बहुतों है इस धरती पे, है ना, तो ढूंढ लेंगे वैसा कोई भी व्यक्ति को। क्या जरूरी है कि जो आदमी ज्वाइन किया है वही आदमी उसका डायमंड बन जाए, हो सके वो मर भी सकता है, है ना। इसलिए कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि हमें एक क्रॉस हो गया तो हम काम ही नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे सिस्टम में एक और चीज है, देखिए फैमिली सिक्योरिटी क्यों काम करनी चाहिए लोगों को, सबसे इससे बड़ा हमें नहीं लग रहा है कि कोई जरूरत होगी समझने की, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे घटना हो चुके हैं अपने सिस्टम में भी बहुत सारे लोगों के साथ, है ना। जैसे ये मिस्टर श्याम सुंदर सर है, 2007 में इनकी देहांत हुई थी, जिस समय इनका 17,000 का टीम था, डायमंड बन चुके थे, और सड़क दुर्घटना में इनकी देहांत होने के बाद भी आज तक इनके परिवार में हमेशा जो है ना महीने का 8 लाख रुपया गिरता चला गया अकाउंट में, 2 लाख का सप्ताह, है ना। आज देखिए इनके परिवार में, आज सुषमा जी भी बोलती हैं कि आज दुनिया में छोटे छोटे बच्चे थे इनके, है ना, 3 बच्चे थे, आज विदेश में बच्चे इनके पढ़ते हैं। बच्चा अगर रोड पे चलता है ना, जो भी बड़ा बेटा है चाहे जो भी, तो फॉरेन एंडेवर जैसा गाड़ी ले लेकर के, मैगी कार लेकर के घूमता है। सोचिए क्या लाइफ स्टाइल है, किस तरह की है। एक टीचर थे, क्या टीचर थे, आज इस सिस्टम में सेफ शॉप में नहीं होते थे क्या, ये नहीं मरते, इनकी एक्सीडेंट नहीं हो सकती थी, क्योंकि ऊपर वाले ने लिख दिया तो होगा ही होगा, उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन आज अगर टीचर होते तो इस तरह का लाइफ नहीं होते, क्योंकि इनकी मैडम पढ़ी लिखी भी नहीं है। आप नहीं पता है तो यूट्यूब पे आप सर्च करके देख सकते हैं श्याम सुंदर सर के बारे में, इनकी मैडम बिल्कुल ही पढ़ी लिखी नहीं है। आज किसी के घर में काम करते होते, कहीं 5,000-4,000 की नौकरी करते होते, आज ये रईसों वाली लाइफ स्टाइल में जिंदगी को नहीं जीते। यही बातें कहते हैं कि आज अगर कमी है तो सिर्फ श्याम सुंदर सर की, बाकी बात दुनिया की किसी चीज की कमी नहीं है हमारे पास, है ना। तो ये लाइफ स्टाइल है, इसलिए हमारे इस सिस्टम को काम करनी चाहिए लोगों को, क्योंकि हमारे पास विजन नहीं होता, सिस्टम में समझ में नहीं आता कि सिस्टम को क्यों करें।
क्यों इससे भी क्लियर हो सकता है अपनी फैमिली सुरक्षा के लिए। सबसे पहले इस सिस्टम में एक और चीज है कि किताब पढ़ने के फायदे, किताब पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि लोग सोचता है कि किताब इसमें क्यों पढ़े। अरे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कलेक्टर बनना है, एक आईएएस बनते हैं, कितना सैलरी है उसका, क्या करोड़ों का पैकेज उसको मिलता है? नहीं, जितना मिलता है उतना ही मिलेगा सबको, है ना। अगर लाख रुपया सैलरी है तो लाख रुपया ही मिलेगा। वो लोग इतनी मोटी मोटी किताब पढ़ते हैं, पागल हो जाते हैं, आईएएस में तैयारी कर रहे हैं, नौकरी नहीं हो पाया, ये हो पाया, फिर भी वो पढ़ाई करते हैं, दस दस पांच पांच साल चार चार साल पढ़ाई करते हैं। क्या हम लोग को एक छोटी सी बुक नहीं पढ़ सकते? किताब पढ़ना पड़ेगा क्योंकि हाँ आपको भी डायमंड बनना है, किताब पढ़ेंगे तो उससे काफी नॉलेज बढ़ेगा आपका, है ना। देखिए किताब पढ़ने से आप हमेशा पॉजिटिव रहेंगे, आप आत्मनिर्भर बनेंगे, आप हमेशा जोश और उत्साह से कार्य करेंगे और महत्वाकांक्षी बनेंगे, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, हर किताब आप में एक अभूतपूर्व ऊर्जा का संचार करेगी। सफलता के लिए सबसे जरूरी बात आपका नजरिया बदलेगा। किताब पढ़ने के और भी फायदे हैं, आपकी कमजोरियां दूर होगी, आप में जीत के लिए जरूरी गुणों का विकास होगा, आपका पूरा व्यक्तित्व और जीवन ही बदल जाएगा, आपकी सोच बहुत बढ़ जाएगी। जिस तरह शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अच्छा भोजन जरूरी है, ठीक उसी तरह अच्छा और सफल दिमाग बनाने के लिए अच्छी किताब पढ़ना जरूरी है। लोग क्या करते हैं, टीवी खोल दिए, सवेरे सवेरे उठे, न्यूज, वहां मर्डर हो गया, वहां ये हो गया, वहां वो हो गया, यहाँ लूटपाट हो गया, ये सब चीजें गलत गलत चीजें माइंड में भरता है। तो हमारे जिस तरह से पेट को मलाई रसमांदरी मलाई कोफ्ता चाहिए अच्छी चीज टेस्टी टेस्टी, उसी तरह दिमाग को भी अच्छी चीज चाहिए। इस चीजों को हम लोग कभी नहीं सोचते क्योंकि दिमाग की हमेशा नियमित सफाई होनी चाहिए, कचरा को खत्म करके पॉजिटिव बात जब आप देखेंगे किताब में अगर पढ़ेंगे तो आपकी जो है ना अच्छी अच्छी बातें आना चालू हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए हमें सवेरे सवेरे उठ करके, खास करके जो लोग पेपर पढ़ते हैं, बिल्कुल ही पेपर बंद कर दे। देखिए आज के डेट में हम पेपर पढ़ना भी, आज क्या, आज हो गया दो साल लगभग हो गया मेरा पेपर छोड़ा हुआ, मैंने सिस्टम में आया और मैं पेपर को पढ़ना बंद कर दिया, सर लोगों ने जैसे बताया वैसे ही किया। टीवी को कभी भी मैं घर में रिमोट छुआ हुआ लग रहा महीना महीना हो जाता है, कभी रिमोट नहीं छूता, क्या देखना है टीवी में नहीं देखना, कभी टीवी को नहीं देखता, ठीक है। लोग देखते हैं टीवी, देखना टीवी में क्या आता है, आप सीरियल देखोगे, ये देखोगे, वो देखोगे, उससे क्या होगा, क्या नॉलेज होगा। आप बुक पढ़ो ना, आधा घंटा 10 मिनट ही सही, बुक पढ़ो, एक लाइन भी पढ़ोगे आप तो उससे काफी नॉलेज होगी, आपको इस सिस्टम में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। सिर्फ एक किताब आपका पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल सकती है, इसलिए हमेशा बुक को 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा एक घंटा जो भी हो हर रोज आप पढ़े। देखिए सबसे पहला जो अचीवमेंट था मेरा, जो कि मैं सबसे पहले जब फंक्शन को देखने गया था उस समय सर लोग जब आए थे डायमंड, तो सर ने बताया कि पहली बार हो रहा 1.5 साल पे आ रहे हैं अजय पंडित सर, और आप बिल्कुल ही लेट नहीं करना है, आप समय से आकर के पूरा फूल हो जाता है, आगे की तरफ बैठना है। मैं गया था उस फंक्शन में, नाश्ता वगैरह करके बैठ गया था, देखा तो सर का जो है अमित सर उस समय शायद सिल्वर या सिल्वर स्टार बन रहे थे, पूरा याद नहीं है, और सिल्वर शायद या सिल्वर स्टार थे, और संतोष सर लीडर बन रहे थे। तो जब इन लोगों को मैंने देखा कि सिल्वर को और अच्छा माला दे रहे हैं, कुछ ज्यादा अलग, तो थोड़ा अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सोचा कि भाई सिल्वर क्यों नहीं बने जल्दी से, है ना, ऐसा उत्साह भर गया मेरे अंदर। और उनकी बातों को जो मैंने सुना डायमंड की एक एक बात को, तो मुझे लगा कि भाई ये बिजनेस तो करनी चाहिए, पूरे दिल से करनी चाहिए, है ना। वहां से सर को पूछे कि सर सिल्वर कितना पे बनता है, इतना पे, तो लीडर कितना पे, तो इतना पे। मैंने बोला कि इतना बस, बहुत बस, 50 की टीम पे सिल्वर बनता है, मैं तो यूं बन जाऊंगा सर, तुरंत मैं 100 आदमी को तो ऐसे ही ज्वाइन करवा दूंगा, है ना, ऐसा जोश में थे। और देखिए नेक्स्ट फंक्शन, उसके अगला फंक्शन आया तो 18 की टीम पे लीडर होता है, मैंने लीडर सम्मान। उसके बाद जो फंक्शन आया, मैंने उस दिन से मैंने कमिटमेंट किया था कि कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं होगा जिसमें मेरा रिकॉग्निशन नहीं होगा। और उस दिन से जितना भी फंक्शन हुआ है, सारे फंक्शन में मैंने अपना अचीवमेंट जरूर लिया हूँ। जैसे पहला फंक्शन में मैंने देखा था अकेला, उसके बाद मैंने लीडर का सम्मान लिया, उसके बाद जो फंक्शन हुआ उसमें मैंने सिल्वर का रिकॉग्निशन लिया था, सिल्वर बना था, और
वहां पे उस समय हमें जो है देखिए लीडर का जो सम्मान लिया था उसमें शिव कुमार मिश्रा जी, बहुत सारे लीडर लोग पहचान भी रहे होंगे, इस साइड शिव कुमार मिश्रा जी है और इस साइड संजीव सर है, उन्होंने दिया था। सिल्वर का रिकॉग्नाइजेशन हुआ था, उस समय आए थे ये शुभकांत सर आए थे और संजीवन कुमार पंडित सर आए थे मैडम के साथ। इसके बाद सिल्वर स्टार बने, सिल्वर स्टार में आए हुए थे राजेश सर जो इंजीनियर साहब है बेगूसराय से, डायमंड सर, और ये संजीवन कुमार पंडित सर, उन्होंने आकर के मेरा रिकॉग्नाइजेशन किए थे। इसके बाद मैंने गोल्ड बना, गोल्ड में भी उस समय मेरे जो संजीवन सर, राजकुमार सर बेगूसराय से न्यू ब्रांड डायमंड जो है, और मिस्टर संतोष कुमार सर बिहार शरीफ और संजीवन पंडित सर बिहार शरीफ, सारे लोग आकर के हमें गोल्ड का सम्मान दिए थे। और इसी समय जो है इस तरह का मैंने अचीवमेंट लिया। सबसे पहले एक चीज और बताना चाहूंगा कि इस सिस्टम में जो देखिए ये हमारा ग्रुप मीटिंग का फोटो है, इसमें से बहुत सारे लोग पहचान रहे होंगे सभी लोगों को। इसमें से देखिए बीच में जो हमारे हैं गुरुजी अमित सर, नीचे सर हैं संतोष सर, हमारे प्रिय ये क्या है विशाल सर हैं, साइड में मैं हूँ, है ना, इधर विजय सर है, बहुत सारे लोग हैं, पीछे नीरज सर है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग हैं, इसमें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अचीवर नहीं है। आप सोच सकते हैं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ग्रुप मीटिंग में ये नहीं आता है वो नहीं आता है, इतने कम लोगों से ग्रुप मीटिंग स्टार्ट हुआ था। इसमें से आप पता कर सकते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जिस जो अचीवर्स नहीं है, यानी कि आप जितने कम संख्या में हो आपको सोचने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है, आप उतने ही से शुरू करें। जितने कम लोग हो, अगर 4 हो 5 हो 10 हो 15 हो, आप घबराए नहीं, आप उतने ही से उस बिजनेस को स्टार्ट करें। उसमें से एक एक बंदा जो टिका हुआ रहेगा उस सारे लोग एक दिन डायमंड जरूर बनेगा। इसलिए मैं आप देख सकते हैं और इसमें एक एक बंदा जो भी है, देखिए बीच में जिस समय अमित सर है आज टोपाज लीडर है, एमरल्ड बनने वाले है, संतोष सर है आज पर्ल है, अब मेरे जो है सारे लोग है, विजय सर है वो पर्ल है, मैं हूँ गोल्ड है, मतलब जितने भी लोग है इसमें सिल्वर है, नीरज जी पीछे है सिल्वर है, यानी जितने को मैं जानता हूँ सारे लोग आज अचीवर्स है। यानी कि आपके पास जितने भी कम लोग है घबराए नहीं कि वो नहीं आता है ग्रुप मीटिंग में, वो नहीं आता है, आप जो नहीं आता उसकी टेंशन को छोड़ो, आपके पास जितने ही की संख्या है उतना अजीत सर स्टार्ट कर। अजीत सर टाइम आउट होने वाला है, फीडबैक थोड़ा आगे जो है, ज्यादा समय है नहीं कि मैं कुछ बोल पाऊ, और बहुत ही कम समय में मैंने जितनी भी बातें बताई ये सारा सिस्टम का है, और कोई भी बात मैंने अगर अलग से बोली बोल दिया हो, अगर आवेश में आकर के अगर मेरी बात, अगर किसी को मेरी बात से किसी को चोट लगी हो, आहत लगी हो, तो उसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है नम्र कि आपके जो भी अगर मेरे से बड़े होंगे और तो छोटा भाई समझ करके कृपया मुझे माफ कर दे, और जो छोटे हैं हमसे वो कृपया बड़े भाई समझ करके मुझे क्षमा कर दे। और आगे कोई भी ऐसी बात मैंने जो बोला है, जो भी बात मेरी अच्छी लगी हो, अगर कोई भी उस एक बात को लेकर के अगर आप जीवन में आगे बढ़ जाए तो जरूर जो है आप उसके लिए मैं सौभाग्यशाली होऊंगा कि उस दिन भी आपको जरूर अपने जुबान पे याद आएगा कि फलाना तारीख को एक मीटिंग दिए थे और उसमें ये बात मुझे अच्छी लगी और वहीं से मैंने मुट्ठी बांधा था और आज मैं डायमंड हूँ। इसलिए चलिए आगे मैं पुनः विराम करता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड गो डायमंड। जी सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा कलेक्शन करके आप लोगों के सामने पेश किया है, आप बताया है और वो ट्रेनिंग ऑफ फ्राइडेट का ट्रेनिंग पे सर जोड़ दिया है, बहुत ही बहुत अच्छा जानकारी मिला है। अभी ऑल म्यूट करिए राहुल जी। अमित सर संतोष सर बोलिए। अजीत सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। सारे लोग अजीत सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई हो सर, बहुत बढ़िया है। अजीत सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी ट्रेनिंग अजीत सर का था, बहुत 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 धन्यवाद। नमस्कार सभी को, नमस्कार।
थैंक यू सर, धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, आज ने हमें जो सिस्टम को जानकारी दी है और बेहतर से, इसके लिए धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। राहुल सर कितना टाइम बच रहा है? कितना? 5 मिनट। अच्छा सर, एक मिनट, अमित सर, अमित सर हटा ले ताकि लोग, अमित सर सर अमित सर एक एक मिनट का समय दे दीजिए सर, ये सारे लोग एक एक मिनट का। रमेश सर आप बताए सर, रमेश सर जी सर आप किस से? हाँ सर नमस्कार, कैसे हैं सर? नमस्कार सर, बताइए कैसा लगा? हाँ अजीत सर का मीटिंग बहुत बढ़िया रहा सर जी, और इनके इनके बातों से बहुत कुछ सीखने को मिली है, जैसे मीटिंग और इन सब चीजों के बारे में, खास करके बुक रीडिंग के बारे में, बुक रीडिंग भी बहुत कंपलसरी है इन चीजों के लिए, और देखा जाए तो इनके बातों से बहुत कुछ सीखने को मिले, आगे फ्यूचर में बहुत कुछ काम आएंगे इनके बातों जो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। राम कुमार सर आप बताए, राम कुमार सर ये अनम्यूट कर लीजिए, राम कुमार सर अनम्यूट करिए, कर दिए सर, कर दिए, हाँ करिए करिए, नहीं नहीं हुआ सर, राम कुमार जी नहीं हुआ, राम कुमार अनम्यूट कीजिए, कर तो रहे हैं सर, हो नहीं रहा है, उनको खुद से करना पड़ेगा, हो रहा है, दो दबा रहे हैं। हाँ चलिए ठीक है सर, ठीक है सर। मैं राम कुमार सिंह, आप सभी टाइगर लीडर को नमस्कार, हमारे गुरु को नमस्कार, अमित सर को नमस्कार, और अजीत सर को बहुत बहुत मैं बधाई धन्यवाद देता हूँ। जितने भी इस विषय में सर जो बताए हैं वो बहुत अच्छा है, और हम सारे लीडर को उनकी हर बात को मानना पड़ेगा, जो भी बताए हैं बहुत अच्छा बताए हैं, इससे हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा लगा, और यही बात कर मैं जी जी बहुत बहुत अपनी बात को खत्म करता। रंजीत सर नवादा से, रंजीत सर अनम्यूट कर लीजिए, रंजीत सर अनम्यूट कर दिए, हाँ सर बताइए, हाँ सर ठीक है आवाज आ रही है, रंजीत सर बोलिए अनम्यूट है, ठीक है ठीक है सर, सिलाव, हाँ जी 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 सिलाव जी जी सिलाव बोलिए रंजीत जी, हाँ जी सर, टीम वर्क की ताकत में काम करे सर, और एकता में बल है, टीम वर्क की ताकत में काम करे और एकता में बल होता है, किताब पढ़ने में फायदा है, और क्यों हमें छोटी किताब नहीं पढ़े, और उसके बाद है सर बहुत दो बात और अच्छी लगी है सर की बातों में, बहुत अच्छा मैं लगा कि जो भी बात बताया सर आज, बहुत मैंने इसको नोट किया है, और विश्वास खुद पर क्षमता है, और दुधारू भैंस की भी बातें बताए तो उसमें वन रोक है तभी आप विजन क्लियर करके काम करें, जो भी बहुत अच्छा बताए सर। अमित सर एक हमारे रवि कुमार पटना सिटी, रवि कुमार पटना सिटी, रवि सर हाँ सर पटना सिटी है सर, पटना सिटी हाँ पटना सिटी है, हमें बोल रहे हैं क्या हमारे सर? टीम के जी जी आप ही को बता रहे, अच्छा ओ
सबसे पहले तो अजीत सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी आज का स्लाइड रहा है बहुत अच्छा स्लाइड रहा है, काफी मोटिवेशनल रहा है स्लाइड, काफी इंस्पिरेशनल रहा है। उसमें तीन चार चीजें काफी अच्छे से सीखने को मिली है, जैसे कि आप अपने जिस भी सिस्टम में हैं, उस सिस्टम में जिसके थ्रू आप आए हैं, जो जिसको आप अपना अपलाइनर, जिसको आप अपना टीचर मान रहे हैं, उसको फॉलो अप करें, उनके बातों को फॉलो अप करें। उसके बाद आप पॉजिटिव थिंकिंग रखें, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने अपलाइनर के ऊपर विश्वास रखें, आगे बढ़ने के लिए, अपने माइंड को डेवलप करने के लिए और अपने काम में डेवलपमेंट लाने के लिए अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। मतलब हर तरह से आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना कर रखें अपने चारों तरफ। बहुत बढ़िया बताएं। रवि सर राजगीर से। हाँ अमित सर, हमारे टीम से एक मंटू जी हैं सर, नालंदा से, जैसा पूछ लीजिए फीडबैक, आज उनकी पहली मीटिंग थी सर। मंटू जी